हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 के कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से हैं। ठीक है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 आपको दिया हुआ है, वेहर पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देन 80 tan² x - cos x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। फोर ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लो, ये एंगल हो गया थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका साइन एक्स जो है नेगेटिव होता है, राइट। अब आपको टेन और कॉस चाहिए, तो आप टेन एक्स निकालोगे। टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ 3 है, बेस यहाँ पर 4 है, और टेन एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। कोस एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर बेस है 4, हाइपोटेनियस है आपका 5। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर रख देनी है। तो आपको यहाँ दे रखा है 80 tan² x - cos x, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो गया 80, टेन एक्स की वैल्यू है 3/4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये है 4/5 माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया 9/16, ये हो गया 4/5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आपके पास 80 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 45 न्यूमरेटर में, और यहाँ पर आ गया 64, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 109, 64 में 45 को ऐड करना है तो 109 ही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ बच्चों। इफ द वैल्यू ऑफ 3 cos 36° +5 sin 18° +5 cos 36° -3 sin 18° ठीक है, इज ए √5 - b/c, वेहर ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स एंड जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और सी का वो क्या होगा, 1 होगा। देन ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड आउट करके निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, आपको बस ये दो वैल्यूज़ तो पता होनी चाहिए बच्चों। अगर वो दो वैल्यूज़ आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। दो वैल्यू कौन सी, एक तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये होती है √5 + 1/4, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √5 - 1/4। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अपन यहाँ पर यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके इक्वल करके ए बी सी को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, √5 + 1/4 इंटू ये 3 प्लस 5 √5 - 1/4 क्लियर डिवाइड बाय 5 √5 + 1/4 -3 √5 - 1/4। अब देखो, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम देखें तो 3 √5 + 1 आ जाएगा ऊपर, तो और 5 √5 - 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 √5 + 1 - 3 √5 - 1। ठीक है, क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 4 एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और ये आ गया। आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 √5 + 3 +
फाइव रूट फाइव माइनस फाइव, और ये हो जाएगा फाइव रूट फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री रूट फाइव प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका एट रूट फाइव माइनस टू डिवाइड बाय टू रूट फाइव प्लस एट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके पास एट रूट फाइव माइनस टू डिवाइड बाई टू रूट फाइव प्लस एट, राइट। सो हम यहाँ पर रेशनलाइज अगर इसको करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नीचे आपको करना है एट माइनस टू रूट फाइव आपको करना है, ठीक है, और ऊपर भी एट माइनस टू रूट फाइव आप कर दो तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा आपको, एट स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ये, और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिक्सटी फोर रूट फाइव, इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन इंटू फाइव, ठीक है, माइनस सिक्सटीन टू से एट को मल्टीप्लाई करा और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर रूट फाइव आपको मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज आ गई समझ में, यहां पर रेशनलाइज करा तो एट माइनस टू रूट फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सिंपलीफाई कराए अपन ने, ठीक है, तो यहां हो गया सिक्सटी फोर और यहाँ हो जाएगा फोर इंटू फाइव यानी कि ट्वेंटी एट, सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी तो नीचे आ जाएगा आपका फोर्टी फोर, ठीक है, ऊपर आपको यहाँ दे रखा है सिक्सटी फोर रूट फाइव और फोर रूट फाइव तो ये हो जाएगा सिक्सटी एट रूट फाइव, ये हो गया सिक्स फाइव जो एटी, एटी में आपने सिक्सटीन जोड़ा, ठीक है, तो माइनस का नाइन्टी सिक्स ये होगा, ठीक है। अब ये आपका टू की टेबल से भी कट हो रहा है तो आप टू की टेबल से आप कट कर सकते हो, ठीक है, तो ऊपर आप टू से डिवाइड कर दो और नीचे भी आप टू से डिवाइड करोगे, नीचे टू से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वेंटी टू आ जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 34 आ जाएगा, और यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 रूट फाइव आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे कंपेयर करो क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, तो ये इससे इक्वल है तो a रूट फाइव माइनस बी डिवाइड बाय c, तो a की वैल्यू यहाँ पर आई 17, b की वैल्यू आई 24 और c की वैल्यू आई 11। अब आप यहाँ देखो a और c का gcd क्या है, 1 होना चाहिए, आप देखो 17 और 11 का gcd 1 मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। आप डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा ताकि आपकी ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो सके। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, यानी कि तीनों को ऐड कर दो, तो 17, 24 एंड 11 इसको ऐड करना है आपको, तो ये हो गया 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और ये 5 52, तो 52 यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 1, वो भी 2024 एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपसे,
बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं जेईई मेंस में। नेक्स्ट एक और बेहतरीन सवाल आपको पूछा गया है जेईई मेन 2024 में। बहुत आसान सवाल है, दिखने में थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 109 डिग्री माइनस 1027 डिग्री माइनस 1063 डिग्री प्लस 1081 डिग्री, ठीक है। तो 109 डिग्री को तो एज इट इज लिख दो आप, 1027 डिग्री है आपके पास यहाँ पर, इसको भी आप एज इट इज लिख दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट 27 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो कोट 9 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस थीटा करके लिख दिया तो आपका यही बनता है, ठीक है भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट 27 डिग्री लिख सकते हो, राइट। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। तो ये 63 बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 27 डिग्री लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1090 माइनस 9 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर, कोट 9 डिग्री लिख दूंगा, क्लियर। तो अब इस दोनों को एक साथ आप लिख लो, 109 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री माइनस 1027 डिग्री प्लस कोट 27 डिग्री, क्लियर। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करें साहब, अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँ। साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री, यहाँ हो गया कोस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 27 डिग्री प्लस कोस 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। एलसीएम आप लोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री, और यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम आप ले लोगे, साइन 27 डिग्री कोस 27 डिग्री, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। सिंपल एलसीएम लेना है, आप तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कन्वर्ट करके ऐसे लिखना है, दोनों 9 डिग्री वाले आपने 10 और कोट साथ कर लिए, 10 और कोट 27 डिग्री वाले भी साथ में कर लिए, साइन कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ये देख लो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो न्यूमरेटर तो दोनों का 1 बन गया, ठीक है। न्यूमरेटर क्या बन गया, दोनों का 1 बन गया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 27 डिग्री कोस 27 डिग्री। अब क्या करें, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बना 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, तो ये क्या हो गया, साइन 18 डिग्री हो गया। और इसी तरीके से ये हो गया आपका साइन 54 डिग्री, क्लियर। इज इट क्लियर, अब बस आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और साइन 54 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, और इसकी वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये क्या है, कोस 36 डिग्री के ही बराबर है, कोस 90 माइनस 36 आप करोगे तो 54 ही मिलेगा, 90 माइनस 36 करोगे भाई, साइन 54 डिग्री है। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हो ना, तो ये क्या बनेगा, कोस 36 मिलेगा, और कॉस 36 की वैल्यू अभी हमने इससे पिछले सवाल में भी यूज़ में ली थी, यही होती है, तो इसकी वैल्यू भी यही होगी।
अब ये फोर तो ऊपर जाके क्या बनेगा, एट बनेगा, यहाँ भी एट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो एलसीएम आ गया रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव प्लस वन, एट आपने कॉमन ले लेना है दोनों में से, तो इधर आ जाएगा रूट फाइव प्लस वन, बीच में माइनस, इधर रूट माइनस रूट फाइव प्लस वन, क्योंकि बीच में माइनस है यहाँ पर। तो यहाँ से रूट फाइव से तो रूट फाइव कट गया, ऊपर आया एट इंटू टू, राइट, और नीचे क्या बन जाएगा फाइव माइनस वन, यानी कि फोर आ जाएगा, ठीक है। फोर से ये टू टाइम्स कट के आंसर आया आपका फोर। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया आपका, फोर आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है आपसे, ये जेई मेन में। लेट एफ सच दैट आर टू आर, आर से आर में एक फंक्शन दिया हुआ है, टू बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम माइनस टू टू द बेस रूट एम फॉर सम एम सच दैट द रेंज ऑफ फंक्शन इज जीरो टू टू, देन द वैल्यू ऑफ एम इज, एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन की जो रेंज आपको दे रखी है जीरो से टू के बीच में दे रखी है, जीरो भी हो सकती है टू भी हो सकती है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है यहाँ पर, क्लोज ब्रैकेट है, राइट, यानी कि जीरो और टू भी इंक्लूड है यहाँ पर। अब इस फंक्शन को देख करके आपको ये समझ में आ रहा है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस रूट टू से रूट टू तक होती है, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर इसके आगे रूट टू लगा हुआ है, तो इस पूरी को आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो माइनस टू आ जाएगा, यहाँ रूट टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और यहाँ रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू आ जाएगा। अगर इसको मैं के मान लेता हूँ तो ये के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस टू से टू तक वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन वन मान लो, ठीक है ना। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया कि के जो होगा माइनस टू से टू तक होगा। अब इसकी जगह अगर मैं के रख लेता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एम के प्लस एम माइनस टू, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या था, फंक्शन था एफ एक्स, और एफ एक्स के लिए मैंने देखा जीरो से लेकर टू तक वैल्यू थी आपकी, ठीक है, क्लियर भाई। एफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ पर लिख दी और इसकी जगह मैंने के लिख दिया वहाँ पर, इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये लॉग हटाना है मेरे को यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ लॉग ऑफ ए अगर यहाँ है बेस एम है और इधर वाई है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू एम टू द पावर वाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लिया हमने। तो इन दोनों को जब मैं लूँगा तो यहाँ पर क्या करा था, इसका बेस पे ये को मैंने पावर बना के लगा दिया यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर इसका बेस है रूट एम की पावर जीरो करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। रूट एम की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। यहाँ से हट ही जाएगा तो के प्लस एम माइनस टू यहाँ आ जाएगा, और इसको इधर ले आ तो क्या आएगा, रूट एम का स्क्वायर यानी कि एम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ रहेगा के, इसको जब मैं इस साइड लाया तो यहाँ आ जाएगा माइनस एम प्लस थ्री, और इसको मैं उस साइड जब ले जाऊंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू, ये आ गया आपकी इक्वेशन टू। अब आप देख लो, इसको देख लो और इस वाली इक्वेशन वन को देख लो, यहाँ इस साइड तो सेम है, यानी कि ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, माइनस टू जो है माइनस एम प्लस थ्री के बराबर होगा। तो एम को इधर भेजो और इस टू को इधर भेजेंगे हम,
तो क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 2 + 3, यानी कि एम की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 5 आ रही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है जिसकी रेंज 0 से 2 तक दे रखी है। हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का जो है वैल्यू क्या होती है, -√2 से √2 तक होती है, वी नो दैट। देन इसमें आपको यहाँ पर इसके साथ √2 चाहिए, तो पूरी इनिक्वेशन में आपने √2 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद इस टर्म को आपने के मान लिया, क्योंकि ये बड़ा था दिख रहा था ना, तो उसको हमने के कंसिडर करके के मान लिया है। लेट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू के, तो -2 से 2 तक वैल्यू हो गई। उसके बाद आपको पता है फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है, तो ये पूरा फंक्शन उठा के यहाँ पे रखा एफ एक्स की जगह पर, और यहाँ पर इसकी जगह आपने क्या रख दिया, k रख दिया, तो ये यहाँ पर k रख दिया। फिर बस आपको ये वाली चीज़ पता है ही सर कि इसको लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, तो इन दोनों को लिखा लिया हमने, तो इधर √m की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, और इधर √m का स्क्वायर यानी कि m। ठीक है, फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इस साइड भी भेजेंगे एक बार और उस साइड भी भेजेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके आप -m + 3 को -2 के इक्वल करोगे और आपको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 2 sin π/8, sin 2π/8, sin 3π/8, sin 5π/8, sin 6π/8 एंड sin 7π/8, उसकी क्या वैल्यू है इन चारों ऑप्शंस में से, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप ये तीन टर्म तो एज इट इज लिख लो, 2 sin π/8, sin 2π/8, sin 3π/8। ठीक है, अब यहाँ इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, sin π - θ sin θ के इक्वल होता है, वी नो दैट sin π - θ किसके इक्वल होता है, sin θ के इक्वल होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, π - θ करोगे तो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin π - 5π/8, sin π - 5π/8, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो ये 3π/8 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये और ये आपका क्या है, सेम है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप चेंज करोगे, sin π - 6π/8 अगर आप करते हो, भाई ये sin θ के इक्वल है ना, sin π - θ sin θ के इक्वल है, तो इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करा, तो यहाँ से क्या आएगा, sin 2π/8 आ जाएगा। सिमिलरली sin इसको भी कन्वर्ट कर लो, π - 7π/8 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, sin इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, π/8 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ sin 3π/8 भी है, sin 2π/8 भी है और sin π/8 भी है। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को कन्वर्ट करके मेरे को यही चीज़ मिल रही है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देता हूँ इन तीनों का, ठीक है ना भाई, यही टर्म आ जाएगी, इसको कन्वर्ट करूँगा तो sin 5π/8 जो है sin 3π/8 के इक्वल हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ भी चेंज करके 2π/8 के इक्वल होता है sin 6π/8 और sin 7π/8 जो है sin π/8 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, उसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार लिख करके कन्वर्ट करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ ये 2 से ये 4 बार कट जाएगा 8। अब sin π/4 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है,
साइन पाई बाय फोर होता है 1/√2, और 1/√2 का हो रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, और इसको भी आप एज इट इज लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास अब ये बचा। ठीक है, अब इसमें क्या तिकड़म लगाएं वो हमको सोचना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहां इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8, तो एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 का एलसीएम लूंगा तो 3 पाई बाय 8 ही आएगा। एक बार लेकर के देख लो, इधर एलसीएम लिया 16, यहाँ है 8 पाई माइनस इधर आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 6 पाई डिवाइड बाय 16, तो 2 से कटा तो ये आ गया 3 पाई बाय 8। क्लियर भाई, एलसीएम लेने पर 3 पाई बाय 8 ही आ रहा है, यानी कि 3 पाई बाय 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूँ। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर इसको क्या कन्वर्ट करके लिख देते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल, वी नो दैट राइट। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 के इक्वल। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन पाई बाय 8 कोस पाई बाय 8 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये न्यूमरेटर इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 8 के इक्वल, और इसका स्क्वायर भी हो रहा है साहब। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटा आपका 4 टाइम्स, ये हुआ आपका 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2, यानी कि 1/8 के इक्वल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हमने इनको कन्वर्ट करा, तो यही सेम 3 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद 2 पाई बाय 8 है, यानी कि ये 2 से 8 4 टाइम्स कटेगा, आप साइन पाई बाय 4 हो गया, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 से ये 2 तो उड़ जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज लिख दिया, इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया हमने पाई बाय 2 माइनस थीटा करके, फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा। स्क्वायर चल रहा था यहाँ पर, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करा तो 1/2 बनेगा, और 1/4 इंटू 1/2 क्या आ गया, 1/8 आ गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दो जगह कन्वर्जन करना है सिंपल, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, ऑल द बेस्ट।